नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन थे प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध भीष्म? क्यों लेना पड़ा उन्हें ब्रह्मचारी रहने का प्रण और क्यों नहीं किया उन्होंने आजीवन विवाह? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। भीष्म पितामह महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में एक माने गए हैं। ब्रह्मचारी रहने व राजा नहीं बनने की अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया था। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है, पर बहुत कम लोग हैं जो उनकी प्रतिज्ञा व उनके जीवन की जानकारी को जानते हैं। ऐसे में आज हम आपको भीष्म पितामह का पूरे जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। भीष्म महाराज शांतनु के ओरस पुत्र थे, जो गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम देवव्रत रखा गया था। निषाद की बेटी सत्यवती पर मोहित हुए शांतनु की पीड़ा देखकर देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जानना चाहा। पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता दासराज के पास जाकर पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। इस पर दासराज ने जब उनके रहते सत्यवती के पुत्रों के राजा नहीं बनने की बात उठाई, तो उन्होंने आजीवन सिंहासन पर ना बैठने और अपने पुत्रों के राजा बनने की संभावना खत्म करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद से ही देवव्रत भीष्म व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। सत्यवती से विवाह होने के बाद पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर बेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। दुर्योधन की नीति देखकर उन्होंने उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा। जब युद्ध का समय आया, तब पांडवों में मन होने पर भी उन्होंने राज सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से कौरवों के सेनापति के रूप में पांडवों के साथ युद्ध किया। भीष्म ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ और योद्धा होने के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में श्री खंडी के सामने बाण ना चलाने के कारण वह उसके बाणों से भिदकर शरशैया पर गिर पड़े। मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए वह श्री कृष्ण का नाम जपते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण ध्यान में थे, तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि शरशैया पर लेटे भीष्म उन्हें याद कर रहे थे, इसलिए वह भी उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण जब भीष्म के पास गए, तो उनकी शरशैया की पीड़ा भी खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से धर्म का उपदेश प्राप्त कर महाभारत युद्ध से हुए शोक को भी शांत किया था। इस तरह भीष्म पितामह अपने आप में ही एक महान योद्धा थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कथा व रोचक जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।